हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल के एम छो कस्य काय करो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक कम खम्भागनी हुकुम केमते अच्छंती की खबर नमस्तु भ्यंग राधे राधे राम राम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको ये बताने जा रहा हूँ कि तुला राशि वालों के लिए सितंबर 2024 का समय आखिर कैसा रहेगा, सितंबर 2024 आपके लिए कितना हद तक अच्छा और कितना हद तक बुरा रहेगा, कौन सा ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट देगा तो कौन सा ग्रह आपके विपरीत में आके खड़ा हो जाएगा, कौन सा ग्रह किस तारीख तक आपके फेवर में है तो किस तारीख से आपके अगेंस्ट हो जाएगा। आइए इन सभी विषयों पर मैं चर्चा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपके लिए कैसा रहने वाला है ये महीना। देवी और सज्जनों, सबसे पहले चर्चा सूर्य से आरंभ करेंगे। आप पहले एक बार ग्रह की स्थिति को समझ लें। सूर्य देवता 16 सितंबर तक कुंडली के एकादश भाव में है और 16 सितंबर से कुंडली के 12वें भाव में आ जाएंगे। बुध देवता 23 सितंबर तक कुंडली के एकादश भाव में है और 23 के बाद 12वें में आ जाएंगे। शुक्र देवता 18 सितंबर तक कुंडली के 12वें भाव में है और उसके बाद आ जाएंगे कुंडली के प्रथम भाव में। केतु पूरे महीने यहीं रहेंगे, राहु पूरे महीने यहीं रहेंगे, शनि पूरे महीने यहीं, मंगल और गुरु पूरे महीने यहीं पर में रहेंगे। आइए अब इन सब के फल को समझते हैं। देव ये ग्रहराज सूर्य देव कुंडली के एकादश भाव में है 16 सितंबर तक, तो आपको क्या रिजल्ट देंगे उसको समझिए। 16 सितंबर तक ग्रहराज के बैठने के कारण आपको आमदनी में वृद्धि होने लगेगी, पैसा बढ़ने लगेगा, लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिलने लगेंगे, उपलब्धि की प्राप्ति भी खूब होने लगेगी। आप ये देखेंगे कि आपकी छोटी से लेकर के बड़ी तक की जो इच्छा है वो पूरी होने लगेगी। आप ये देखेंगे कि कुंडली के एकादश भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपको बड़े भाई बहन, सीनियर्स, इन सब का अच्छा खासा सपोर्ट मिलने लगेगा। पुत्र वधू दामाद अगर आपके पास में है तो उनका भी आपको सुख मिलने लगेगा। और यहाँ से सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में अर्थात संतान का भी आपको सुख प्राप्त होने लगेगा। विद्या और बुद्धि का भी अच्छा खासा लाभ मिलेगा। पढ़ाई लिखाई में विद्यार्थी वर्ग के लोगों को खूब मन लगेगा। यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि धर्म का पालन भी करेंगे, मंगल कार्य करने का अवसर भी रहेगा और इस समय में ननिहाल से भी लाभ मिलेगा। पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है, इशू है, परेशानी है तो उससे भी आपको राहत निश्चित तौर पर में मिलेगी। सूर्य के बाद, सूर्य जब 16 सितंबर को यहाँ से 12वें भाव में यहाँ पे आ जाएंगे तो थोड़ा सा परेशानी होगी। अगर आपके कोई बड़े भाई बहन हैं परिवार में जो आपसे बड़े लोग हैं, उनको हेल्थ वाइज इशू आ सकती है, तबीयत वगैरह खराब हो सकता है आपका। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के 12वें भाव में सूर्य के बैठने के कारण आँख से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, पैसों की बर्बादी देखने को मिलेगी। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में तो दुश्मन भी परेशान करने का प्रयास करेगा, अस्पताल के खर्चे भी एक्टिवेट होंगे 16 सितंबर के बाद में। कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी या फिर स्कलंक वगैरह भी आप पर में हावी होने का प्रयास करेगा। सूर्य के बाद मंगल की बात करेंगे। मंगल देवता कुंडली के नवम भाव में भाग्य के घर में विराजमान है। मंगल के कारण आपको भाग्य का अच्छा खासा साथ मिलेगा। आप अनुभव करेंगे कि इस महीने में भाग्य भरोसे आपका काम ज़्यादातर होते जा रहे हैं और उसके मूल में मंगल देवता हैं। कारण जो दे रहे हैं वो मंगल देवता हैं। धर्म का भी पालन करने का योग रहेगा, धर्म का काम करेंगे और तीर्थयात्रा वगैरह भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इस समय में आपके यश में भी वृद्धि होगी, ससुराल से भी लाभ मिलने का योग बनेगा और संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण आचार्य, इनका भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। यहाँ से चौथी दृष्टि द्वादश भाव पर में तो विदेश से धन लाभ का भी योग बनेगा,
सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में, तो छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी फायदा होगा। खुद के पराक्रम में भी खूब वृद्धि देखने को मिलेगी। इस समय में आपका धैर्य बहुत मजबूत होगा। गुप्त शत्रु का नाश होगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित अर्थात ENT से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो उससे राहत होगी। और यहाँ से अष्टम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर में, तो वो दर्शाता है कि आपके सुख में वृद्धि का ये समय है, माता से लाभ का ये समय है। जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति के सुख का, इन सब के प्राप्ति का भी समय है। और छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित अथवा किसी भी प्रकार का अगर इन अंग से संबंधित परेशानी है तो उससे राहत हो जाएगी। मंगल के बाद बुध की बात करेंगे। बुध कुंडली के एकादश भाव में है जो कि 23 सितंबर तक है, अर्थात एकादश भाव में बैठने के कारण आपको बुध देवता भी खूब पैसा देने का प्रयास करेंगे कि इधर से भी आओ, उधर से भी आओ, इधर से भी आओ, चारों दिशाओं से पैसा आपके पास में आता जाए, ऐसे राजकुमार बुध की भी कोशिश यही रहेगी। ससुराल से भी लाभ का योग बनाएंगे बुध देवता, क्योंकि ससुराल का मालिक आ गया लाभ के घर में। धर्म के काम जितने आप करेंगे आपको उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि धर्म का मालिक आ गया लाभ के घर में। संत महात्मा, गुरु, ब्राह्मण, आचार्य का जितना सेवा करेंगे आपको उतना ज़्यादा आर्थिक तौर पर में मजबूती मिलेगी, क्योंकि इसका मालिक आ गया लाभ के घर में। 23 सितंबर तक, 23 सितंबर के बाद ये बुध देवता कुंडली के द्वादश भाव में, 12वें भाव में आ जाएंगे, जो ये दर्शाता है कि बुध के कारण आपके ससुराल में कुछ लोग बीमार पड़ सकते हैं, आपके गुरु की हेल्थ वाइज इशू सामने आ सकती है, तबीयत वगैरह खराब हो सकती है। बुध के बाद देव गुरु बृहस्पति की बात करेंगे। शत्रु राशि में विराजमान हैं और अष्टम भाव में हैं, तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। देव गुरु बृहस्पति के कारण आपको अगर आप चाहें तो विदेश से जरूर लाभ ले सकते हैं, लेकिन अपनी जन्म धरती पर में आपको नुकसान ही नुकसान होगा। हर तरफ से आपके कार्य में रुकावट और परेशानी देने का प्रयास देव गुरु बृहस्पति जरूर करेंगे। शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र 18 सितंबर तक नीच के कुंडली के छठे 12वें भाव में है और कन्या राशि में नीच के होते हैं, लेकिन 12वें भाव में नीच के होने के कारण नीच भंग राजयोग बनेगा, जिसके कारण से 18 सितंबर तक आपका जो भी पैसा खर्च होगा वो सही काम में सदुपयोग होगा, अच्छे काम में ही उसका प्रयोग होगा। 18 सितंबर के बाद जब शुक्र देवता कुंडली के प्रथम भाव में तुला राशि में आएंगे तो क्या होगा, तो ये आपके बुद्धि को बहुत बढ़ा देंगे, शारीरिक तौर पर बहुत मजबूती देंगे, रंग रूप खूब बढ़िया उजला गोरा चिट्टा रंग दिखेगा और मस्तिष्क सही डायरेक्शन में काम करेगा, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव आपका अच्छा रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता भी बनी रहेगी। सप्तम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर में जो ये दर्शाता है कि विवाह की बातें चलेंगी, जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन भी अच्छा चलेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी बढ़िया करेंगे, पार्टनरशिप में भी निश्चित तौर पे अच्छा करने का योग बनेगा। देवी और सज्जनों, शुक्र के बाद शनि की बात करेंगे। शनि कुंडली के पंचम भाव में है जो ये दर्शाता है कि आपको संतान से संबंधित सुख देंगे, अचानक से धन लाभ देंगे, कोई बीमारी है संतान को उससे राहत देंगे, और ये भी विवाह का योग बनाएंगे, ये भी आमदनी में वृद्धि की कोशिश करेंगे, ये भी आपके बैंक बैलेंस बढ़े इसके कोशिश में रहेंगे। शनि के बाद राहु की अगर बात करें तो राहु कुंडली के छठे भाव में है, तो ये आपको रोग, ऋण, शत्रु से घेरने की कोशिश करेंगे राहु देवता, आपको उससे सुरक्षा चाहिए। दुश्मन को जब भी देखें अगर मीठी बातें भी कर रहा है, अच्छी बातें कर रहा है, तो आप बिल्कुल सावधान हो जाएं, क्योंकि कहते हैं कि हंस कर मिले दुर्जन, छुप कर मिले सियार, यानी कि हंस करके अगर कोई दुश्मन आपसे मिल रहा है आप सावधान हो जाएं, जरूर कोई चाल चलने वाला है। तो देवी और सज्जनों, राहु आपको दुश्मनों से परेशान करवाने का प्रयास करेगा, आपसे जो छोटे वर्ण के लोग हैं, छोटे जाति के लोग हैं, उनसे आप विशेष तौर पर में लाभ लेना चाहें तो ले सकते हैं। और केतु कुंडली के 12वें भाव में है, तो इस समय में आपको मोक्ष की अनुभूति होगी, इस समय में ज़्यादा विषय वस्तु चीज़ों से आपका लगाव नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा लोभ लालच से आप मुक्त रहेंगे। तो देवी और सज्जनों, तुला राशि वालों के लिए सितंबर 2024 की यही थी कहानी, जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की कैसा रहेगा।
उम्मीद जरूर करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुदेव, हमारे जीवन में जो अच्छा फल बताया जाता है वो हमें बहुत कम मिलता है, और जो बुरा फल बताया जाता है वो निश्चित तौर पे हमें मिल जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आपको ज़रूरत है अपने जन्म कुंडली हस्तरेखा की जांच करवाने की। जांच करवाने के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 इस नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी निश्चित तौर पर प्राप्त होगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।